इतना अच्छी है, ऐसा ही खाना भी मस्त है। और गुलाब तो भाई पहाड़ों का पहला नज़ारा सामने देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर दूर, अगर गोप्रो में दिखाई दे रहा है, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, गोप्रो कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कैप्चर कर रहा होगा। तो कैप्चर कर रहा है तो सामने बहुत खूबसूरत सा पहाड़ों के नज़ारे, फोग, बादल, माउंटेन सब एक साथ, और वेदर थोड़ा चेंज हो गया, मौसम और बढ़िया हो गया, प्लीजेंट हो गया, मज़ा आ रहा है भाई। अब बस चढ़ाई शुरू होने वाली है पहाड़ों की। जिम कॉर्बेट पार्क 17 किलोमीटर रह गया है भाई, और चढ़ाई शुरू हो चुकी है पहाड़ों की, मौसम भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। वन विभाग, तो भाई एंट्री कर ली है उस रोड पे जिस रोड पे चांसेस हैं कि टाइगर हमें दिख जाए, टाइगर है या हाथी है, ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है पूरी की पूरी, इसमें हमें कुछ भी दिख सकता है। तो धीरे धीरे से गाड़ी चलाएंगे और अगर कुछ दिखेगा तो तुम्हें भी दिखाएंगे। एक बार लुक देख लो भाई, लुक लुक मार लो, क्या गजब का मौसम, क्या गजब के नज़ारे, और साइड में हमारे पहाड़ आ चुके हैं, माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से निकल के आपको फिर माउंटेन्स के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तुम मैप पे नज़र डालोगे तो चारों तरफ आपको जंगल फॉरेस्ट दिखाई दे रहा होगा। तो अपन जो चल रहे हैं प्योर डेंस, बहुत डेंस जंगल है चारों तरफ, घना फॉरेस्ट है, और ये टाइगर रिजर्व है, तो इसमें टाइगर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टाइगर आपको दिख जाए कहीं ना कहीं, अगर दिख गया तो दिख गया भाई। एलिफेंट हो रहा, एलिफेंट दिखाई दिया भाई, तेरा पहला हाथी। और क्यों पर सवारी कर रहे हैं लोग, करवाएंगे तुम्हें भी सवारी इसके ऊपर, कभी नहीं करवाएंगे, रुक जाओ अभी, हाथी को पार करने दो रोड। तो पहले भाई हाथी को रोड पार करने दो, धीरे से पार करते हैं इसके बराबर से। ओ भाई जो व्यू आ रहा है सामने देखो भाई, और अपन ऊपर ही जाएंगे भाई, वहीं जाएंगे हम ऊपर। हाँ कितना गजब का व्यू आ रहा है, अगर गोप्रो ने कैप्चर किया होगा ना भाई, कसम से देख के दिल खुश हो गया होगा। और सामने आ गए हैं पहाड़ प्योरली, वैसे हम चल माउंटेन पे रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से वो लेफ्ट राइट बार बार होता है, वो थोड़ा आगे जाके आएंगे। अली कह रहा है इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी खुशी है वो ही है, इससे बाहर जाके पूछेंगे उतर के। बिल्कुल कोसी के बराबर से निकल रहे हैं, हमारे बराबर में चल रही है कोसी रिवर। यार यहाँ गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है, वरना मैं अभी दिखाता, क्योंकि ये पूरी तरह से फॉरेस्ट का एरिया है और वो भी टाइगर वाला। तो यहाँ देखो नदी, नीचे देखो नदी, वो दिख रही है कोसी। अब कोसी एक छोटा सा पुल अपन पार करेंगे, खूबसूरत से पुल को। वाटर क्रॉसिंग, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग बहुत सारी है, मेरे जूते सारे हो गए यार, ध्यान नहीं गया मैंने, पैरों पे आ गया सारा पानी। ये क्या लंगूर कितना तगड़ा है, ओ भाई कितना बड़ा लंगूर है, ये क्या कितना बड़ा लंगूर है मेरे भाई, कितना बड़ा, कितना ही बड़ा लंगूर थे। और चारों तरफ के नज़ारे भाई, क्या ही खूबसूरत व्यू, कसम से मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। वो कितनी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग है, बहुत जबरदस्त। पहले इसको निकलने देते हैं आगे, फिर हम निकलेंगे ताकि ठंडा पानी हमारे ऊपर भी आएगा, धीरे धीरे निकलते हैं साथ साथ। क्या ही व्यू है मेरे भाई, क्या ही व्यू है, क्या ही नज़ारे हैं, गजब एकदम जबरदस्त मेरे भाई, जबरदस्त।
ओ भाई व्यू कितना ही गजब का व्यू है। और घूमते 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 हो गए परेशान, अब हो गई रह गई 53 किलोमीटर। कोई नहीं भाई, लेकिन नज़ारों के मज़े आ रहे हैं एकदम से, कसम से ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ज़बरदस्त एकदम जबर। क्या ही लेवल की चढ़ाई है मेरे भाई, क्या ही लेवल की। और छोटे छोटे तो बहुत सारे झरने भाई, इस टाइम बहुत झरने चल रहे हैं छोटे छोटे, तो पता नहीं कितने। अगर पूरे झरने कैप्चर करता ना तो भी वाटर क्रॉसिंग हो रही है, तो एक घंटे की वीडियो पूरी उन्हीं में बन जाती। और सामने का लुक देखो भाई, ओ कितना खूबसूरत वेदर भाई, और सनसेट का टाइम, और कितना खूबसूरत वेदर देखो, ओए कितना ही गजब। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, बहुत तेजी में था भाई ये ड्राइवर, बहुत तेजी में चला रहा था। ये छोटी छोटी जो होती है वो रॉन्ग साइड था, मतलब उसे ये नहीं पता था कोई दूसरी साइड से भी आ सकता है, बस चलाया जा रहा है। भाई खूबसूरत से नज़ारे शाम के, कितने गजब है। और होने वाली है रात, टाइम बज गया 6:54 भाई। रोड इतना खूबसूरत है कि टाइम लगता ही है भाई निकलने में, लेकिन मज़ा आ गया ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा गाड़ी को खींचते हैं और सीधा आपको मिलते हैं रानी खेत में। फाइनली वी रीच्ड एट रानी खेत पहुँच गए थे। टाइम हो गया था तकरीबन पहुँचते 7:15, बिकॉज एक जगह अपना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट क्या, गाड़ी थोड़ी सी गिर गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ चलती रहती है। और अभी लग रही थी बहुत तेज़ भूख, सीधा आ गए रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। उसके बाद बाहर निकलते हैं, आपको होटल दिखाते हैं। खाने का ऑर्डर कर दिया अली, ये बेटा क्या ऑर्डर किया खाने का? तो खाने का ऑर्डर किया इसने, ये खाएगा चाउमीन, मैं खाऊंगा चिली पनीर। और खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अली ने खाना खा के ख़त्म कर दी प्लेट, मैंने खा ली। ओ भाई पेट भर गया फुल, तो सुबह दिखाएंगे यहाँ पर बाकी नज़ारे आपको। इस कार आ रही है, इसमें तो करते हैं यही बैंड, उम्मीद है आप लोग पसंद आया होगा। भाई थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत लंबा रूट। एक्चुअली अगर हम नैनीताल की तरफ से आते तो चढ़ाई कम पड़ती, हम सीधे जो हमने रूट लिया वो सीधा लिया अपने घर यहाँ से रानीखेत का, तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत डिफिकल्ट थी। कोई नहीं, चलो उस लोग को करते ही बैठ। उम्मीद आपको लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।